आज के इस लेक्चर में हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर 2। तो स्टूडेंट्स, पेपर में जाने से पहले जरूर से आप ये लेक्चर देख करके जाएंगे और इस पेपर में बेस्ट मार्क्स लेने के लिए आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर के जाएंगे। वेलकम टू वन बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेज। लेट्स सी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी क्वेश्चन रहता है और ये पूरे सिलेबस में से पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि होते हैं 2-2 मार्क्स के, टोटल होता है ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन। इसके अलावा 4 यूनिट के क्वेश्चंस रहते हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। तो इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनमें से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है जो कि होता है 16 मार्क्स का। तो ये 16 मार्क्स के 4 क्वेश्चन जो कि हो गए 64 मार्क्स के और 80 मार्क्स का आपका ये पूरा पेपर रहता है। तो देख लेते हैं कि कंपल्सरी क्वेश्चन कौन से रहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो जनरली पूछे जाते हैं। व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप? फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? इसमें आपसे कोई पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप भी पूछ सकते हैं, जैसे कि मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, या फिर जेके फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, या डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप। आप इन फ्लिप फ्लॉप्स को तो तैयार करके ही जाएंगे क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में नहीं तो ये 8 मार्क्स के क्वेश्चन में या फिर 4 मार्क्स के क्वेश्चन में भी जो है फ्लिप फ्लॉप बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज काउंटर? इसके अंदर काउंटर क्या होता है, और या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज बाइनरी काउंटर, या फिर व्हाट इज अप डाउन काउंटर। तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, या फिर काउंटर क्या होता है ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज प्रोग्राम कंट्रोल्ड आईओ टेक्निक? ठीक है, तो इसमें हमने ना 3 टेक्निक पढ़ी हुई है, प्रोग्राम कंट्रोल, इंटरप्ट कंट्रोल्ड एंड डीएमए टेक्निक। तो वो सारी टेक्निक्स भी आप इसके साथ कर लेंगे, ठीक है। और इनको 2 मार्क्स में जब पूछा गया है तो आप इनको 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही इनको अटेम्प्ट करेंगे, यानी छोटा अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है, व्हाट इज इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट? नेक्स्ट इज व्हाट इज क्लॉक्ड आर एस फ्लिप फ्लॉप? इसमें एस आर फ्लिप फ्लॉप भी आपसे पूछा जा सकता है, और अगर ये आर एस पूछा जाता है तो आप जो है आर इनपुट पहले लेंगे, एस इनपुट बाद में लेंगे। व्हाट इज फ्लैश मेमोरी? फ्लैश मेमोरी क्या होता है जनरली पूछा जाता है। व्हाट इज रजिस्टर? व्हाट इज एक्सेस टाइम? ठीक है, एक्सेस टाइम क्या होता है, सेकेंड यूनिट का ये क्वेश्चन है। व्हाट इज रेस अराउंड कंडीशन? रेस अराउंड कंडीशन कैसे क्या होती है, डिफाइन कैशे मेमोरी। व्हाट इज MICR? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, DMA। जो DMA यहाँ होता है ना वही आपको यहाँ भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन करना होगा आपको 2 नंबर में। डिफाइन स्टेट टेबल। व्हाट इज SIPO? SIPO, PISO या PIPO, तो इनको भी अलग से, मतलब आपको इन सबको तैयार कर लेना है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग, कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज IO इंटरफेस? इसको 2 मार्क्स में भी पूछा जा रहा है, लेकिन इसको 8 मार्क्स में भी पूछा जाता है, तो आप इसको तैयार करेंगे जरूर से। एक्सप्लेन इंस्ट्रक्शन साइकिल, तो ये भी आप तैयार कर लेंगे, इसको भी 2 मार्क्स में या फिर 8 मार्क्स में जनरली बहुत पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यूनिट 1 के क्वेश्चंस पे। तो यूनिट 1 के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं दोज आर, व्हाट इज स्टेट डायग्राम? ठीक है, स्टेट डायग्राम्स क्या होते हैं, हाउ इट इज यूजफुल इन डिजाइन ऑफ फ्लिप फ्लॉप? तो ये फ्लिप फ्लॉप की डिजाइनिंग में कैसे हेल्प करते हैं, स्टेट डायग्राम्स क्या होते हैं। एक्साइटेशन टेबल्स क्या होती हैं? ठीक है, एक्साइटेशन टेबल को आपको ड्रॉ करना है RS फ्लिप फ्लॉप की और JK फ्लिप फ्लॉप की। तो स्टूडेंट्स, आपको ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझाए गए हैं इसी चैनल पर, और बिल्कुल बहुत ही ईजी मैनर में ये समझाए गए हैं। तो ये टॉपिक्स आपको बिल्कुल छोड़ करके नहीं आने हैं, सभी टॉपिक्स आप बिल्कुल से करके आएंगे। एक्सप्लेन फॉलोइंग, टी फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, कोई भी फ्लिप फ्लॉप पूछा जा सकता है, कोई भी 2 फ्लिप फ्लॉप पूछे जाएंगे 8 मार्क्स के अंदर, ठीक है। ये तो जनरली होता है कि 8 मार्क्स के अंदर पूछे जाते हैं, लेकिन 4-4 मार्क्स के अंदर भी जो है 4 क्वेश्चंस रखते हुए आपका क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जनरली 8 मार्क्स में ये जो है पूछे जाते हैं, हर एक कोई फ्लिप फ्लॉप 8 मार्क्स में पूछा जाता है। तो SR फ्लिप फ्लॉप या RS फ्लिप फ्लॉप करके, या स्टेट इक्वेशन, स्टेट डायग्राम एंड देयर यूजेस, तो इस तरीके से कोई भी 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं जो कि 8 मार्क्स में होते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय सिक्वेंशियल सर्किट, व्हाट राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज राइट द डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल सर्किट, ये भी 8 मार्क्स में पूछा जाता है जनरली, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप, डिस्कस एनी 2। तो आपको फ्लिप फ्लॉप जरूर से तैयार करके जाने, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर अप करेगा। नेक्स्ट आती है यूनिट 2। तो इसके अंदर आपको जैसे पूछा जा सकता है कोई भी 2 चीज, 2 क्वेश्चन के अंदर कोई भी 2 पार्ट्स, सिंक्रोनियस काउंटर या एसिंक्रोनियस काउंटर, मतलब दोनों ही काउंटर्स पूछे जा सकते हैं 8-8 मार्क्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मॉड्यूलो एन काउंटर, इसकी वर्किंग बताएं और इसके यूजेस बताएं,
ठीक है, इस तरीके से आपको 8 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट आता है शिफ्ट रजिस्टर्स एंड देयर एप्लीकेशन। तो जो भी हमारे 4 शिफ्ट रजिस्टर्स रहते हैं उन सभी को ये पूछ सकते हैं, अलग अलग से भी करके पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कंपेरिजन भी पूछ सकते हैं कि SISO या PISO, इन दोनों में कंपेरिजन बताएं, डिफरेंस बताएं। ठीक है, तो ये 8 मार्क्स में पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन जनरली। और अगर जैसे शिफ्ट रजिस्टर सारे के सारे पूछे जा रहे हैं तो ये 16 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन अकेला पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, रजिस्टर्स आपको सारे एक्सप्लेन करने हैं। व्हाट इज यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर्स, तो सिंक्रोनियस बाइनरी काउंटर विद इट्स ब्लॉक डायग्राम, मॉड्यूलो 8 काउंटर, मॉड्यूलो 6 काउंटर, इस तरीके से आपको स्पेशल कोई काउंटर भी पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट, हमने लेक्चर जो कवर किया था मोड एंड काउंटर वाला, उसमें हमने सारा कुछ देखा था कि मोड 8 काउंटर क्या होता है, कोई भी मोड लेना हो, मोड 8 काउंटर, मोड 6 काउंटर, मतलब कोई भी मोड अगर हमने लेना हो तो हम ले सकते हैं। आप उस लेक्चर को जरूर से गो थ्रू करें, फिर आप जो है उसी लेक्चर को घुमा करके इनके बारे में लिख सकते हैं। एसिंक्रोनियस सिक्वेंशियल सर्किट, ठीक है, तो इस तरीके से सिक्वेंशियल सर्किट, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट, हर एक टॉपिक इसी चैनल पर रखा गया है, बहुत इजी मैनर में रखा गया है। आपको कोई भी टॉपिक में अगर अब भी कंफ्यूजन है, एक बार जाकर के आप उनको गो थ्रू जरूर से करके जाएं, इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो है जरूर से देखें आंसर्स। नेक्स्ट इज जो क्वेश्चन यूनिट 3 के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, दोज आर मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है, या फिर मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेज पूछ सकते हैं, उनके मेरिट्स उनके डिमेरिट्स। तो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेज में मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ये दोनों ही आते हैं। फिर ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेज क्या होते हैं, फिर फ्लैश मेमोरी और उसकी बेनिफिट्स बताएं। तो ये 8 मार्क्स में ये क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे इस तरीके से, दो दो क्वेश्चन करके पूछे जाएंगे। ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी सेल, फिर आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये डिफरेंस आपको 4 क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, यानी 4 4 मार्क्स के 4 डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं। जैसे स्टैटिक रैम क्या होता है, डायनेमिक रैम क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस, मैग्नेटिक कोर एंड सेमीकंडक्टर मेमोरी का डिफरेंस, प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज का डिफरेंस, रैम एंड रोम इनका डिफरेंस, फिर आपसे या फिर 8 8 मार्क्स में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रोम क्या होता है, उसके टाइप्स बताएं, आईओ डिवाइसेज क्या होते हैं, उनके कंट्रोलर्स बताएं, या फिर सेमीकंडक्टर रैम क्या होता है ये भी बताएं, ये बताएं। ठीक है, तो इस तरीके से 16 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपको 2 क्वेश्चन करके पूछे जाएंगे, और आपको है ना 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है इनमें से कोई भी एक। ओके स्टूडेंट्स, तो अच्छे से तैयारी आप करके जाएंगे। यूनिट 4, इसके अंदर जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं कि इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है, 8 नंबर में पूछी जाती है 8 मार्क्स में। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स क्या होता है, ये भी 8 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, आर यू चैनल्स एंड देयर वर्किंग, इंटरप्ट्स देयर यूजेस एंड वर्किंग। तो ये सारे टॉपिक बच्चों आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। कोई भी टॉपिक में अगर कन्फ्यूजन है, जरूर से उसे पढ़ करके आप जाएंगे। एक्सप्लेन वेरियस एड्रेसिंग मोड, IOP एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। मशीन इंस्ट्रक्शन एंड इंटरप्ट स्ट्रक्चर, DMA टेक्निक, इंस्ट्रक्शन सेट। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं यूनिट 4 के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, होप आप इस पेपर को बहुत अच्छा करके आएंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर रहे होंगे तो डेफिनेटली आई एम श्योर यू विल गेट बेस्ट मार्क्स, because each and every topic was very easy and complete syllabus your is covered। और हाँ, अगर आप पेपर सचमुच में सबसे अच्छा करके आए तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक बार आकर मुझे बताएं जरूर, मैं समझूंगी। स्टूडेंट्स, मैंने बहुत मेहनत की है पर मेरी मेहनत का परिणाम आप हैं, मैं समझूंगी मेरी मेहनत सफल हुई, and I will celebrate my success definitely in my way। Thank you, bye bye, have a nice day।